बक्सर के डुमराव में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व ही केंद्र द्वारा यह योजना स्वीकृत की गई थी, अब इसकी शुरुआत हो गई है। इस पर कुल 515 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही जारी की थी। दरअसल पटना के बापू सभागार से मुख्यमंत्री ऑनलाइन जुड़े और इस प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बक्सर और बेगूसराय के लिए एक साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इसको लेकर समाहरणालय बक्सर में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अलावा डुमराव और ब्रह्मपुर विधायक भी देखे गए। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के लिए पहले ही भूमि का पूजन कार्य हो चुका था। इसकी भूमि हरियाणा फॉर्म डुमराव में चिन्हित की गई है। हालांकि इस कॉलेज को बनने में लंबा समय लगेगा, लेकिन इसके बन जाने से बक्सर ही नहीं बल्कि शाहबाद के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बहुत पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी और 50 करोड़ रुपए भी दे दिया गया था, लेकिन बीच में मामला कोर्ट में उलझ गया था, जिसके कारण देरी हुई। यह केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना है। हालांकि समय समय पर इस कार्य को पूरा करने को लेकर मेरे तरफ से प्रयास किया जाता रहा है, चाहे मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था तब, चाहे मैं अब इस मंत्रालय में हूँ तब। काफी मेहनत के बाद अब इसका रास्ता साफ हो गया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को इस कॉलेज का भी लाभ मिलेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बक्सर के अंदर मेडिकल कॉलेज भारत सरकार का, और मैंने अनुशंसा करा के 18 में ही इसकी भूमि पूजन भी कर दिया था और 50 करोड़ रुपया भी भेज दिया था। 300 करोड़ हमने भारत सरकार ने उसमें पैसा दिया। ये भारत सरकार की योजना है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, और राशि 50 करोड़ रुपया हमने पहले ही भेज दिया। 2018 में ये कोर्ट में लंबित मामला चला गया। हमने कोर्ट में भी एडवोकेट जनरल को कई बार आग्रह करके और विभाग को मंत्रालय की ओर से, जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था उस समय भी, जब दूसरे मंत्रालय में गया, और मैंने जो समुचित पैरवी होनी चाहिए वो विभाग के द्वारा, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा समय समय पर बिहार सरकार, उसमें विलंब हुआ इसके कारण 2 साल से ज़्यादा, और मैंने जो समुचित पैरवी होनी चाहिए वो विभाग के द्वारा, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा समय समय पर बिहार सरकार, उसमें विलंब हुआ इसके कारण 2 साल से ज़्यादा यहाँ मेडिकल कॉलेज को विलंब झेलना पड़ा। नहीं तो ये मेडिकल कॉलेज आज बन के तैयार हो गया रहा। ये दुर्भाग्य है बिहार सरकार का, किस प्रकार से मतलब बड़बोली पर। अब डिजिटल मिशन की बिहार मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन कर रहे हैं। ये हमने 2021 में प्रधानमंत्री जी ने इसका प्राचीर लाल किला से इसका शुभारंभ कर दिया था, डिजिटल, आप जानते हैं पूरा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन हम सुन रहे हैं और उल्टे कह रहे हैं कि हमारा डुप्लीकेट कर रहे हैं। जिनको जितना ज्ञान हो उतना ही ज्ञान सीखना चाहिए। अब छठा सतवा पढ़ करके, अठवा पढ़ करके वो चाहते हैं कि हम देश को ज्ञान देंगे, तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये तो दुनिया जानती है ना। लेकिन उतने ही बोलो जितना छज पाए। और जो स्थिति है पूरी तरह से नाकाबिल है। आज डेंगू का मरीज मर रहा है अस्पतालों में, आज वह दवाई तक नहीं है किसी अस्पताल में। जाइए आप इसी अस्पताल में, मैंने पैरवी किया दर्जनों लोगों को, और आज तक वहाँ दवाई नहीं मिल रहा है।